इक्वेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसका मतलब बताऊंगा अभी, नॉर्मल फॉर्म पहले लिख लो इसको, ठीक है। तो पहले मैं रिजल्ट लिख लेता हूं, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन देखेंगे और समझेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जो हमारा रिजल्ट फाइनली आने वाला है वो आने वाला है वेक्टर आर डॉट एन कैप, याद रखना मैंने एन कैप बनाया यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू बी, ठीक है। वेयर माई आर इज व्हाट, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पी हियर, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। इसको कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका डेरिवेशन और क्या इंफॉर्मेशन दी होगी हमें इक्वेशन निकालने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देने से हमारा प्लेन जो है वो यूनिकली कैसे लोकेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ ले लेता हूँ, लेट्स से एक बुक ले लिया मैंने, लेट्स से दिस इज सम बुक, दिस इज माय प्लेन, सुन रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जैसे कि इससे पहले वाला जो हमारा पॉइंट प्लेन का जो फॉर्म था उसमें क्या था, हमें एक पॉइंट दिया था और एक नॉर्मल दिया था। तो उधर मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल से तो क्या हुआ, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, इससे तो क्या हुआ प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, मतलब ये ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसे रोटेट नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो इधर भी हमें क्या दिया है, नॉर्मल तो दिया है। तो अगेन केवल नॉर्मल देने से मेरे को यूनिक तो प्लेन नहीं मिलेगा, ठीक है। बट उसने क्या बोला है, एक इंफॉर्मेशन कि P is a perpendicular distance from origin. अब सुनना, let's say ये मेरा origin है, let's say this is my origin, और जो मेरा plane है, मैंने बोला let's say ये plane है मेरा, तो मेरे को ये normal vector दिया है। अच्छा, इस अगर ये मेरा normal है, तो there are infinite planes, but ध्यान से देखना, अगर मान लो मेरा ये origin है, see here clearly, ये मेरा ये वाला point origin है, ये normal है, ठीक है, this is the required plane. तो मैंने क्या बोला, अगर ये लेट्स से ये जो मार्कर है ब्लैक वाला, इसका लेंथ मान लो 5 यूनिट्स है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ प्लेन फॉर विच दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसे मेरे दो प्लेन्स आ जाएंगे, एक तो इस साइड आएगा 5 यूनिट्स और एक इस साइड आएगा 5 यूनिट्स। समझ आया बच्चों, कैन यू विजुलाइज इट, ठीक है। तो इसका देखो, मैंने क्या बोला 5 मिनट्स बोला, तो क्या हुआ मेरे दो ही प्लेन आए, एक तो इस साइड और एक इस साइड, तो मैं यूनिकली लोकेट कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। तो देखना, अब हम देखते हैं इसका हाउ टू ड्राइव द रिजल्ट। तो लेट्स से ये मेरा प्लेन है, लेट्स से दिस इज द प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, लेट्स से इसका पोजिशन वेक्टर 0 वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द प्लेन, और ये मैंने मान लिया दिस इज अ जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट आर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, चलो लेट मी कंप्लीट द फिगर नाउ। सी, ये तो मेरा हो गया जनरल पॉइंट, जैसे कि हम लेते हैं हमें जिस प्लेन जिस कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है उसमें जनरल पॉइंट होता है। अब हमें क्या चाहिए, और ये जो डायरेक्शन दी है, दिस डायरेक्शन इज वेक्टर एन, और ये जो लेंथ दिया है, चलो इसको अलग कलर से बना देता हूं, ये जो लेंथ दिया है दिस मच लेंथ इज डी, दिस इज व्हाट, डी इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा डी नहीं, सॉरी, मैंने तो पी यूज किया, तो ठीक है हम इसको पी कर देते हैं, पी इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हमें इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो मैंने इक्वेशन को डेरिवेशन करने के लिए क्या बोला था कि हमें एक रिलेशन चाहिए, बेसिकली किस चीज में, गिवन इंफॉर्मेशन के बीच में, आर पी और एन के बीच में एक रिलेशन चाहिए, सो दैट कि वो रिलेशन केवल सेटिस्फाई किससे हो, ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, ठीक है। दोबारा एक बार और, मैंने क्या बोला कि हमें एक रिलेशन चाहिए आर पी और एन में,
सच दैट वो रिलेशन केवल सेटिस्फाई हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन. तो मैं बोल दूंगा वो क्या है बेसिकली इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. तो मेरा टारगेट है मुझे आर पी और एन में एक रिलेशन चाहिए. ठीक है. अच्छा अब जैसे इससे पहले वाला जो मेरा क्या बोलते हैं जो फॉर्म था उसमें मुझे एक पॉइंट दिया था और एक नॉर्मल दिया था. तो नॉर्मल तो अभी भी मेरे पास है तो किसी तरीके से मुझे इस प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाए मतलब पॉइंट मिल जाए मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो मैं इस प्लेन की इक्वेशन लिख लूंगा बहुत आसानी से. तो सोचा हमने तो अब दिख रहा है कि मुझे इस पी को यूज करना है और इसके डायरेक्शन दे रखे हैं मुझे इस नॉर्मल के दैट इज एन. तो अब ध्यान से देखना हम थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ एक लाइन के टॉपिक में एक चीज बताया था तुम लोगों को देखना था जब मैंने ये फॉर्म बताया था वेक्टर आर. देखा ध्यान से और उधर इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था. लेट से मैंने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस फाइव बी कैप. ध्यान देखना वेरी इंपॉर्टेंट उधर मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को. मैंने बोला कि लेट से दिस इज ओरिजिन दिस इज अ लाइन ये मेरा पॉइंट है जिसका पोजिशन वैक्टर ए है और इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन इज बी. ठीक है. तो मैंने बोला क्या बोला था कि लेट से चलो प्लस माइनस कर देते हैं इसको मोर इस पर. तो आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी कैप क्या था बेसिकली हमारा इस लाइन पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये है इस लाइन पे कहां से 5 यूनिट ए पे. तो मैंने क्या बोला था दो डायरेक्शन होंगी. ठीक है दो डायरेक्शन होंगी दो साइड दो पॉइंट मिलेंगे एक तो इस साइड मिलेगा 5 यूनिट पे. This is a point which is at a distance 5 units from A and similarly I'll get here also at a distance 5 units. समझ में आया बच्चों? ये वाला फैक्ट मैं इधर यूज कर रहा हूँ देखना ध्यान से. मैंने बोला कि जो लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ एन फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया एन. अब मुझे क्या लिखना है बेसिकली एन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो मुझे एन के बारे में क्या पता है कि एन जो है वो पी डिस्टेंस दूरी पे O से ओ एन लाइन पे. ध्यान से दोबारा एक बार जो n पॉइंट्स है जो कैपिटल n पॉइंट है वो पॉइंट ओरिजिन से लेट्स से दिस इज पॉइंट ये ओरिजिन ही है इस पॉइंट से p डिस्टेंस पे है. तो क्या करूं मैं इस लाइन इसी फॉर्म को यूज करके मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं. जो पहले तो मैंने इसकी लाइन की इक्वेशन लिखी चलो पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखी तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद आई सी दिस पार्ट. इस लाइन की इक्वेशन कौन सी लाइन की ओ एन लेट से मैं इसको ओ बोल रहा हूँ जिसका पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर है. ओ एन लाइन की इक्वेशन क्या होगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी होता है तो ए क्या होता है जिस पॉइंट से ये लाइन पास करी तो ओरिजिन से पास करी तो जीरो प्लस लैम्डा और पैरेलल वेक्टर तो एन वेक्टर है हमारा एन आ गया. ये क्या है हमारा दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ इधर लिख लो तुम लोग इक्वेशन ऑफ हमारा ओ एन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एन. ठीक है. अच्छा अब देखना अब मैंने क्या बताया था कि जनरल ये था हम इधर जनरल जो लाइन यूज करते थे उसमें हम क्या लिखते थे वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. बट जब मैंने तुम्हें इसको एक्सप्लेन किया तो क्या बोला था कि लैम्डा की जगह अगर मैं इसको बी कैप कर दूं तो जो बी कैप का कोफिशिएंट होगा वो क्या बताएगा कि जो पोजीशन वेक्टर है वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है. तो ये फैक्ट यूज करके मैं लिख सकता हूं जो n का कोऑर्डिनेट है दैट इज नथिंग बट दिस इज p यूनिट्स. तो मैंने क्या किया पहले इसको n कैप बनाया तो वेक्टर r इज इक्वल टू एक तो मैंने n कैप लिखा. ठीक है. और मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूं p इधर तो जीरो था इधर प्लस माइनस. इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है वो भी मैं देख लूंगा देख लेंगे हम थोड़ी देर बाद. ठीक है. बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट. मैंने लिखा दिस इज व्हाट एन का पोजीशन वेक्टर. ये तो क्या हो गया था हमारा ध्यान से देखना दो चीजें हैं. एक तो क्या लिखा मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एन. ठीक है. और दूसरा क्या लिखा इस लाइन पे पी यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट होंगे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ. क्या लिखा इसी लाइन पे क्या ये पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. समझ में आया तो इसको लिख लो तुम. ठीक है. इसको लिख लो दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट
पॉइंट ऑन लाइन ओ एन, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन ओ एन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट्स, पी यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया बच्चों? तो अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, कि हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी है और एक पॉइंट भी है। तो अब अगर हमारे पास पॉइंट है और रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल है तो फिर हम पहले की तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आर माइनस, उधर क्या था पहले हम उधर लिख लेते, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा था हमने फर्स्ट फॉर्म में। तो अब क्या करूँ, आर की जगह तो वेरिएबल वही रहेगा आर माइनस, ए की जगह क्या आ जाएगा, हमें कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं प्लेन का, एक पॉइंट तो मिल गया हमें प्लस माइनस एन के, प्लस माइनस पी एन कैप डॉट विथ वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो इसको देख लेते हम। ठीक है, तो एक काम किया, इसको इसको मैं डॉट एन कैप भी कर सकता हूं। ठीक है, क्या किया मैंने, चलो तुमने अगर मान लो एन लिखा तुमने, तो मैंने दोनों साइड एन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड किया। ठीक है, तो मुझे इधर क्या मिला, आर, चलो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसको रब करता हूं। ठीक है, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको इसको रब करके आई विल राइट इट हियर। तो इधर लिखते हैं, देखना ध्यान से, देखो तो ये मेरा क्या हो गया आर, देखना ये n कैप है, चलो इसको दोबारा लिख लिया, r प्लस माइनस p n कैप डॉट विद n कैप इक्वल्स टू जीरो। अब ओपन किया इसको तो क्या आएगा, r डॉट n प्लस माइनस p इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स एंड हुज नॉर्मल इज n वेक्टर। समझ में आया? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ठीक है, सॉरी ये मेरा n कैप है, करेक्ट इट, दिस इज n कैप, क्योंकि r डॉट n कैप है। ठीक है, तो दो आएंगे प्लस माइनस करके, क्यों, जैसे मैंने पहले जो मैं फिगर से बताया, जैसे ये ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज दिस दिस नैपकिन इज द ओरिजिन एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, तो ये नीचे भी नॉर्मल जा रहा है, तो ये भी 5 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, लेट्स से मेरे को 5 दे रखा है p का वैल्यू, और सिमिलरली एक प्लेन नीचे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देयर विल बी टू सच प्लेन्स विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन और जिसके लिए नॉर्मल वेक्टर इज एन। याद क्या रखना है, इधर एन कैप है, इसको मार्क कर लेना, जल्दी जल्दी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जल्दी जल्दी में बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको n लिख देते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, n लिख सकते हैं, बट फिर क्या होगा, ये जो p है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताएगा। इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो इधर नोट के फॉर्म में, कि अगर मान लो मैंने इधर n कैप की जगह n यूज किया, देन दिस जो कॉन्स्टेंट आ रहा है दैट विल नॉट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फिर वो कुछ और होगा। ठीक है, तो इतना कॉपी करो। ठीक है, अब मैं रब करता हूं इसको। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कोई भी डाउट आए किसी भी से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, चाहे वो लाइन हो चाहे प्लेन हो, बट क्लियर होना चाहिए। और मैं पहले अगेन स्ट्रेस दे रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक 3D। ठीक है, तो चलो, तो अच्छा ये तो हो गया हमारा फॉर्म। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कल जो किया था उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो देखना, कल जो हमने इक्वेशन लिखी थी r माइनस ए डॉट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू जीरो, देखना ध्यान से देखना, अगेन इंपॉर्टेंट वन। तो इसको हमने क्या लिखा था, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, दोनों साइड ध्यान से देखना, दोनों साइड इसमें कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली एक एक ले लेते हैं हम, प्लस माइनस लेंगे, लेट्स से टेक वी टेक प्लस, तो मैं उस साइड ले जा रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, अगेन दो होंगे बट मैं ये प्लस p कंसीडर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अब मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं कंपेयर करूंगा RHS, तो उसके लिए मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा सर। तो क्या किया मैंने, n कैप मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड किया, तो क्या आएगा, r डॉट n डिवाइड बाय मॉड ऑफ n
इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड एन. सो ये तो मेरा हो गया आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए डॉट एन कैप. तो इससे क्या पता चला मुझे, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. समझ में आया बच्चों? इसको हम एक और तरीके से देखते हैं डायग्राम से. जैसे मैंने लिखा ये एक मेरा प्लेन है, लेट्स से दिस इज द प्लेन, और ये मेरा जनरल पॉइंट था, ये मेरा ओरिजिन था, और लेट्स से दिस इज माय परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का डायरेक्शन था ये. तो ये मेरा एक जनरल पॉइंट है आर, ठीक है. कैन यू विजुलाइज द फिगर क्या हो रहा है? तो एक काम करते हैं इसको और प्रॉपर के लिए, इसको पीछे को जो पार्ट नहीं दिख रहा प्लेन का उसको रब कर दिया. नाउ कैन यू सी कि सिनेरियो हो क्या रहा है? मैं और फिगर बनाने के लिए, बेटर विजुलाइजेशन के लिए, लेट मी टेक वन मार्कर, ठीक है. सी हियर, ये मेरा नॉर्मल हो गया, माय पाम इज द प्लेन, एंड लेट्स से दिस इज द आर, दिस इज द पोजिशन वेक्टर आर, जनरल पॉइंट ऑन आर. ये जो ये ओरिजिन से ये आर को मैंने ज्वाइन किया, दिस इज माय, लेट्स से इसको नाम और कर देते हम, ये मेरा हो गया लेट्स से आर पॉइंट, जिसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल आर है, और ये कैपिटल है पॉइंट, और ये अपना ओरिजिन है, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, सी अगेन, लेट्स से दिस इज माय नॉर्मल वेक्टर, और ये मेरा हो गया जनरल पॉइंट आर, इस पॉइंट का टिप, और ये मेरा वेक्टर हो जाएगा क्या, आर वेक्टर. तो कैन यू सी कि जो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का इस प्लेन से, वो तो ये ब्लू वाला मार्कर है. तो इस बेसिकली है क्या, ये वेक्टर जो है मेरा वेक्टर आर, इसका प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का, इस वाले का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. और हमें पता है दिस इज अ वेक्टर आर, इसका प्रोजेक्शन नॉर्मल पे क्या होगा, आर डॉट एन, वही तो इधर लिखा है. सॉरी 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 मिस्टेक, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, दिस इज अ एक मिनट, हाँ सॉरी मैंने ये आर ले लिया, जस्ट अ मिनट, इसको फिगर को मैं दोबारा बनाता हूँ. सी हियर, कल जो मैंने फिगर बनाया था उस हिसाब से, दिस इज अ जनरल पॉइंट आर, और ये मेरा ओरिजिन है, और चलो इसको मैंने ओरिजिन को इधर बनाया कहीं. तो दिस इज ओरिजिन, दिस इज अ पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर ए, एंड दिस इज अ पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर आर. देखना ध्यान से, तो मैंने क्या बोला कि जो वेक्टर ए है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ए डॉट एन, तो ए का, हाँ करेक्ट है, सी एन. अब देखना ये मेरा वेक्टर क्या हो गया, ए, ठीक है. इसका प्रोजेक्शन नॉर्मल पे क्या होगा, इतना पार्ट ए डॉट एन कैप, वही तो हमारा आ रहा है इधर, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है. तो क्लियर हुआ बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मैंने लिखा फाइंड equation of plane, find equation of plane which is at a distance, which is at a distance 4 upon root 14 from origin and is perpendicular to the vector I cap minus 2 j cap plus 3 k cap, ठीक है. तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, एक तो दिया है कि प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, तो दिस इज द बिगेस्ट हिंट कि हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म. और हमें क्या दे दिया है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर. तो लेट्स डू इट.
तो अब देखते हैं, अब जैसे i माइनस 2j प्लस 3k, ये क्या है हमारा नॉर्मल वेक्टर, बट इधर मुझे क्या चाहिए था हमारे नॉर्मल फॉर्म में यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसको कैसे लिखा मैंने, r डॉट विथ, इसको पहले नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया, तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस p, p हियर इज 4 अपॉन रूट 14, तो इसको सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख देते हैं, तो ये कितना है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14, तो ये रूट 14 और ये रूट 14 कैंसिल हुआ, तो इधर से हमें दो प्लेन मिले ऐसे जो कि दिस 4 अपॉन रूट 14 डिस्टेंस पे लोकेटेड होंगे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसको हम आंसर लिख लेते हैं फाइनली, आर डॉट आई माइनस 2j प्लस 3k कैप, दिस इज k कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट वी हैव टू प्लग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड distance of plane, find distance of plane, और plane की equation क्या है, let's say x, okay, चलो, x plus 2y plus 2z minus 9 equals to 0, find distance of plane this from, let's say origin, ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैसे अभी हम आगे चल के एक टॉपिक देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, उधर हम इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला देखेंगे जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है टू डायमेंशनल में, उसी टाइप का है, सिमिलर कैटेगरी का है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा रिसेंटली उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे, तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिखी थी वो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी थी, क्या लिखी थी, r dot n cap is equal to plus minus p, this is normal form, तो इसका यूज करना है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, वो हम आगे चल के देखेंगे जब वो वाला आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तब, अभी के लिए मेरे को इस फॉर्म को यूज करना है, तो मैंने क्या बोला, फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको ये वेक्टर फॉर्म में पढ़ा मैंने, तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू वेक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म, तो कल मैं जैसे मैंने पहले भी बहुत स्ट्रेस दिया है कि यू शुड बी वेरी फास्ट इन इंटर कन्वर्शन, वेक्टर से 3D से वेक्टर हमारा बहुत फास्ट कन्वर्शन होना चाहिए, तो इसको मैं 3D के लिए क्या करूंगा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z, तो क्या लिखूंगा, r डॉट, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इसको मेरे को 3D में कन्वर्ट करना है, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, यही वाला प्लेन, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, अच्छा अब क्या किया, अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो उसको पहले मैंने क्या किया, इस 9 को RHS में लेके गया, तो r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 9, ठीक है, अब नोट रखना, जल्दी बच्चे जल्दी जल्दी में गलत करते हैं, वो डिस्टेंस बोल देते 9, बट 9 इज नॉट द डिस्टेंस, क्यों, पहले मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, तब मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाटएवर इज रिटन ऑन द RHS साइड, बट एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट से दिस इज द डिस्टेंस, समझ आया क्यों, क्योंकि अभी मैंने इसको यूनिट वेक्टर नहीं बनाया, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करूं, मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, चलो डिवाइड कर देते दोनों साइड, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इधर भी, विच इज नथिंग बट 3 ओनली, रूट 9 इज 3, तो इधर डायरेक्टली 3 लिख दिया,
अब मैं बोल सकता हूं क्या कि ये किस फॉर्म में आ गया मेरा आर डॉट एन कैप, और इस साइड मेरा क्या बच गया 9/3 विच इज नथिंग बट अ 3. नाउ दिस इज माई आंसर. समझ में आया बच्चों क्या किया हमें इस फॉर्म में लाना है. आई एम गिविंग अगेन स्ट्रेस दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर. अगर ये यूनिट वेक्टर है तभी मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, अदरवाइज मैं उसको डिस्टेंस नहीं बोलूंगा. समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन. हमारा नेक्स्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. क्या लिख रहा हूं मैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हम इसको दोनों फॉर्म में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म. नॉन कोलिनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले दिया था कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक प्लेन मिलेगा. तो कैसे बोला था मैंने, एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, वो जो तीन प्लेन है, तीन पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर, उनसे उनको ज्वाइन करूंगा आई विल गेट अ ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल इज नथिंग बट अ प्लेन इटसेल्फ. क्या बोला मैंने कि ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस, इन तीनों को ज्वाइन करूंगा आई विल गेट अ प्लेन, और इसको एक्सटेंड कर दिया पूरे इंफिनिटी तक तो क्या मिल गया मुझे, प्लेन ही मिल गया बेसिकली. तो ठीक है, हमें यूनिक प्लेन तो मिलेगा. अब हम देखेंगे इसको निकालेंगे कैसे. तो निकालने के लिए फर्स्ट आई यूज लेट्स से चलो वेक्टर फॉर्म ही देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म. उसके बाद वी विल सी द कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्म तो तीन पॉइंट्स दिए, इसका मतलब वेक्टर में क्या बोलेंगे, तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए. तो मैंने मान लिया एक पॉइंट ए दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी, और एक पॉइंट है सी जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी. ठीक है, दीज आर द थ्री वेक्टर्स, सॉरी थ्री पोजीशन, थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी. अब देखना ध्यान से, जैसा कि मैंने पहले बोला हमें जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है तो हमारा मतलब इक्वेशन लिखने के जस्ट पहले हमारे पास क्या क्या डाटा आ जाना चाहिए, एक तो पॉइंट, एक पॉइंट प्लस एक नॉर्मल वेक्टर. तो देखो पॉइंट तो हमारे पास एक क्या, तीन तीन अवेलेबल है, तो उसकी तो कोई कमी नहीं है. मुझे क्या चाहिए, जिस प्लेन में ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर और मिल जाए. तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा उसी फॉर्म में आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो. तो कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. कौन सा प्लेन, जिसके अंदर ये तीन पॉइंट्स आ रहे हैं. तो एक बार प्लेन बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय प्लेन, दिस इज माय प्लेन. मैंने बोला कि एक तो पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और एक पॉइंट ये है सी जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है. मैंने क्या बोला, आई हैव टू फाइंड अ प्लेन वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. कौन सा प्लेन, जिसके अंदर ये तीन पॉइंट है. ये चीज हम वेक्टर्स में डिस्कस किए थे, याद है कुछ क्या किए थे. अगर मैंने बोला इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आएगा, हम इन दोनों एक ये वेक्टर लिखेंगे, एक ये वेक्टर लिखेंगे. क्या लिखेंगे, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. और ये वेक्टर्स क्या है, ए बी क्रॉस विथ ए सी. और ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए क्रॉस विथ सी माइनस ए. ये हमारा हो गया नॉर्मल वेक्टर. दिस इज ऑलरेडी टॉट यू इन अपन ने पढ़ा था ये वेक्टर में, ठीक है ना. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, बहुतों को याद भी होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी. तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया और पॉइंट हमें एक चाहिए था, तीन तीन अवेलेबल, हम तो कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे. और हम कहां रखेंगे, हमारे पहले वाले फॉर्म में, जो फॉर्म क्या था, आर माइनस, जैसे रखो आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो. इसमें हम वैल्यूज प्लग कर लेंगे तो एन की जगह तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर. और इस ए की जगह देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, इस ए की जगह यू कैन पुट एनी वन ऑफ दिस, तीनों से करेक्ट आंसर आएगा.
मैंने बोला इस वेक्टर ए की जगह हम वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर सी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर ए था क्या हमारा, उधर उधर हमारा ए था, कोई भी एक पॉइंट ऑन द प्लेन उसका पोजिशन वेक्टर। तो इधर तो हमारे पास तीन पॉइंट्स है, तो तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये डिवाइड नहीं लिखा है, स्लैश लिखा है, ये या फिर ये या फिर ये, तीनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं हम। तो फाइनली मैं लिख लेता हूं एक बार, हम इक्वेशन क्या आएगी थोड़ा उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके कॉपी दिस पार्ट देखना। अब मैंने लिखा आर माइनस ए, रहने देते हम, चलो ए रहने देते सर, तुम बी ओ सी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा आर माइनस ए, देखना डॉट विथ नॉर्मल, नॉर्मल हमारा क्या आया था, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये सारे वेक्टर्स हैं मेरे, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, आर का डॉट, पहले मैं इसको ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट को, तो मैंने लिखा इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में भी तुम लोग छोड़ सकते हो, या फिर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो देखना वेक्टर आर डॉट विथ एक आ गया ए क्रॉस बी प्लस आर डॉट बी क्रॉस सी प्लस आर डॉट सी क्रॉस ए, ये ब्रैकेट इधर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। अब देखना ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने क्या लिखा आर का डॉट इन तीनों से, अब ए का डॉट और बचा है, तो ए का डॉट ए क्रॉस बी के साथ जीरो, क्योंकि ये हमने बॉक्स वेक्टर से पढ़ा था प्रॉपर्टी, तो बॉक्स अगर कोई भी दो वेक्टर्स बॉक्स के अंदर कोलिनियर है या फिर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो बॉक्स इज जीरो। क्यों? बिकॉज वो वेक्टर्स कोप्लैनर हो जाते हैं, और कोप्लैनर वेक्टर्स का बॉक्स क्या होता है, जीरो। तो ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो हो गया, एक ए डॉट सी क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या ए डॉट बी क्रॉस सी। देखना ध्यान से मैं क्या बोला, ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो हो गया, ए डॉट सी क्रॉस ए जीरो हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी बचा, तो एल एच एस में माइनस के साथ बचा है, तो उधर आके प्लस हो गया, तो उसको क्या लिख सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ में आया? अब हम इसको बॉक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आर ए बी मतलब बॉक्स ऑफ आर ए बी, सिमिलरली दिस इज बॉक्स ऑफ आर बी सी, एंड लास्टली दिस इज बॉक्स ऑफ आर सी ए, एंड दिस इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो या फिर इस फॉर्म में। ये है क्या हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी। आई होप समझ में आया होगा, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, वी विल जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म, वी विल जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म। देखना तो ठीक है, नाउ यू सी द कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा वेक्टर 3D में, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लिया, देखना इधर ये प्लेन है हमारा, अब ध्यान से समझना इसको, देखना लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए था, अब इंस्टेड ऑफ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, कम करते हैं थोड़ा बड़ा फिगर, मुझे तीन वेक्टर बताने हैं इसमें, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए। अब पोजीशन वेक्टर की जगह हम क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x1, y1, z1 दो पॉइंट और दिए, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x2, y2, z2 एंड लास्टली पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट इज x3, y3, z3, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अच्छा प्लेन की इक्वेशन, किसी भी चीज की इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला है एक रिलेशन होता है, जैसे अगर मैं कार्टेशियन की बात कर रहा हूँ तो एक रिलेशन चाहिए एक्स वाई जेड में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन। तो एक हमें जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा, तो लेट्स से मैंने मान लिया दिस इज अ जनरल पॉइंट, और लेट्स से इसको नाम दे दिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y, z, ठीक है। अब देखना, अब मैंने क्या किया, ए को इन तीनों से ज्वाइन किया, ए को इन तीनों से ज्वाइन किया और इनको वेक्टर बना दिया। अब सुनना ध्यान से,
देखना मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए अब एक्स वाई जेड में एक रिलेशन चाहिए जो कि सेटिस्फाइड हो केवल उन पॉइंट से जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि अगर प्लेन, देखना सुनना ध्यान से सुनना, अगर पॉइंट पी इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे अगर पी पॉइंट लाई कर रहा है तभी हमारा एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और एसी वेक्टर कोप्लैनर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सुनना ध्यान से क्या बोला मैं, अगर पॉइंट पी इस प्लेन पे लाई कर रहा है उसी दौरान क्या होगा, उसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा एपी वेक्टर, एबी वेक्टर एंड एसी वेक्टर विल बी कोप्लैनर। तो इसी को हम मैथमेटिकली यूज कर लेंगे क्योंकि हमें तो अब इस, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रहा है, केवल सेटिस्फाई हो रही है उन पॉइंट्स के द्वारा जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, एपी कॉमा एबी कॉमा एसी, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, आर कोप्लैनर, आर कोप्लैनर इफ, कब, इफ पी lies on the plane, if p lies on the plane, समझ में आया बच्चों? तो अब मैं इसको मैथमेटिकली यूज करूंगा रिजल्ट लिखने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए। तो ap वेक्टर लिख लेते हैं हम, तो ap वेक्टर क्या होगा हमारा, पोजिशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a, तो लिख लेते हैं ap वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x1 i कैप प्लस वाई, चलो इसको थोड़ा रब करके इधर लिखता हूं मैं, जस्ट लुक एट हियर, इस फिगर को कॉपी कर लेना, मैं रब करने जा रहा हूं इसको। तो मैंने बोला एपी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पी हो गया हमारा ए पी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या था, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, उसमें से मैं ए का पोजीशन वेक्टर घटाऊंगा तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, ये तो एपी वेक्टर। सिमिलरली आई से आ से एबी वेक्टर, एबी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी माइनस ए, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, एंड लास्टली माई ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए टू सी वेक्टर, दिस विल बी एक्स थ्री माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y3 minus y1 j cap plus z3 minus z1 k cap। अब क्या मैं फैक्ट यूज करूंगा मैथमेटिकली, ये तीनों वेक्टर्स जो है दे आर कोप्लैनर, हेंस डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय यूजिंग कोफिशिएंट्स ऑफ दीस थ्री वेक्टर्स इज जीरो, तो उसको लिख लेते हैं, दैट विल बी नथिंग अबाउट रिक्वायर्ड प्लैंक इक्वेशन। तो इसको लिख लिया, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, सो फाइनली स्टेप इज I am expressing this in terms of determinant. I am making, since these three are coplanar, therefore determinant is zero. कौन सा determinant? इनके coefficient से बनने वाला। तो इधर क्या आएगा मेरा? X minus X1, I का coefficient, पहले vector का I का coefficient, फिर पहले vector का J का coefficient, which is Y minus Y1, and here it is Z minus Z1. Here it is X2 minus X1, this is Y2 minus Y1, this is Z2 minus Z1. And lastly here it is x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1. This is equal to zero. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसके ऊपर तीन पॉइंट लाई कर रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1, x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, इसके ऊपर आई विल टेक एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, एंड रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड आल्सो, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि तीन पॉइंट्स दे देंगे कोऑर्डिनेट और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन हम वो ले लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर, इसके बाद हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन आई विल टेक इट नाउ,
देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज प्लग करनी है हमें इस फॉर्मूले में, ठीक है। सी है, राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, देखना, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 2, 4, 6, ठीक है। तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट करो, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसमें ना एक और पॉइंट ऐड करते हैं, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो दो चीज पूछी है इसने, एक तो प्लेन की इक्वेशन एंड एक उस प्लेन के नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो तरीका क्या होगा, देखो केवल अगर नॉर्मल वेक्टर पूछता, देख ध्यान से सुनना, अगर केवल वो नॉर्मल वेक्टर पूछता तो उस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किधर किया हुआ है, हमारे वेक्टर्स में, तो उसका आंसर होता क्या है, जैसे मैंने बोला तीन पॉइंट्स हैं, इन तीन प्लेन से एक प्लेन बनेगा, इन तीन पॉइंट से उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी दो को ज्वाइन करते हैं, तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता था, ए बी क्रॉस ए सी, और हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या किया, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ए बी क्रॉस ए सी। ये तो क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस लगा देते हैं, बिकॉज दो डायरेक्शन आएंगी, ठीक है। तो दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, द रीजन इज कि मुझे एक तो रेडीमेड फॉर्मूला बताएं तीनों पॉइंट्स का, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने का, क्योंकि अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी तो मैं डायरेक्टली उधर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट के ऊपर कमेंट करके बोल दूंगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो बस उसको मुझे डायरेक्शन कोसाइन बनाना होगा, मतलब यूनिट वेक्टर बनाना होगा मुझे, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो क्या बोला मैं, अगर प्लेन की इक्वेशन पूछता नहीं वो, तो मैं तो यही करता, ठीक है, ये करता, बट उसने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन पूछ ली, उसके बाद एडिशनल पूछा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो क्या करूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट यूनिट वेक्टर आई विल फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर मुझे ये चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्या करूंगा, इसको तुम अपने पॉइंट लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, तो इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और लिख भी लेना एक्सप्लेनेशन कि ये कर सकते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, बट करेंगे नहीं, क्यों, बिकॉज मुझे प्लेन निकालना है, तो एक बार प्लेन आ गया तो डायरेक्टली मैं उसकी इसको तो मैं डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको अलग से नहीं निकल रहा हूं। तो क्या कर रहे हो, पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन तो अभी बताई थी डिटरमिनेंट फॉर्म में, क्या था लिखने, एक बार लिख लेते हैं, x माइनस एक्स वन, तो मैं मान लिया ये पॉइंट a मान लिया, इसको भी इसको सी, इसको तो मैं a मान सकते हो, इसको भी a मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मान लूं, तो x माइनस वन, y माइनस y वन, z माइनस z वन, फिर क्या आता था हमारा x2, देखो हमेशा माइनस टू किया, वो मैंने जो फिक्स किया ना पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हर एक में से घटेंगे, इसमें से और एक वेरिएबल वाले पॉइंट से, दिस इज अ वे टू मेमोराइज इट, क्या बोला मैंने दोबारा, ये जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इधर इधर x माइनस था फिर इधर क्या था, देखो दो चीजें याद रखना, एक तो जो रो वन है ना वही वेरिएबल है, उसी में x y z टाइप की चीज आ रही है, रो टू और रो थ्री है वो तो एक कॉन्स्टेंट टाइप की चीज है, प्लस सेकेंड चीज क्या याद रखोगे कि हर एक में हमने क्या किया, अगर डेरिवेशन याद होगा तो रिकॉल करना आसान होगा, तो मेमोराइज करना आसान होगा, क्यों, क्योंकि हमने ड्यूरिंग डेरिवेशन क्या किया था, इस पॉइंट को फिक्स किया था, फिक्स मतलब इस पॉइंट से मैंने उन बाकी तीन पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा हर एक में से, तो इधर क्या आएगा, अब दूसरे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 एंड लास्टली 4 माइनस 3 इज 1, समझ में आया बच्चों, एंड लास्टली 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज x3 माइनस x1,
ओपन करना है तो एक बार कर लेते हैं पूरा. तो दिस इज एक्स माइनस वन, तो ये गया ये गया, तो जीरो माइनस टू, तो ये माइनस टू माइनस वाई माइनस टू इंटू ये गया ये गया जीरो माइनस वन, तो माइनस वन प्लस जेड माइनस थ्री इंटू ये गया ये गया, तो जीरो माइनस जीरो ये जीरो आया इज इक्वल टू जीरो. तो फाइनली लिखते हैं हमारा क्या आ रहा है, देखते हैं एक्स देखो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और माइनस वाई, माइनस का प्लस हो गया तो प्लस वाई माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू और ये माइनस, तो माइनस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये टू से ये टू भी कैंसिल हो गया, तो हमारी इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया. अब मैं इसके आधार पे क्या बोलूंगा, इसके आधार पर मैं डायरेक्शन रेशियो सॉरी यूनिट वेक्टर डायरेक्टली यह बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर. तो उसको क्या करना है, मुझे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप. क्या बोला मैंने, डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होंगे, अगर मान लो केवल नॉर्मल वेक्टर बोला जाए, केवल नॉर्मल वेक्टर बोला जाए, अगर यूनिट वेक्टर नहीं बोला जाए, तो मैं लिखूंगा 2i कैप, 2i कैप माइनस j कैप, k का जेड का कोफिशिएंट तो 0 है तो वो तो 0 हो गया. अब इसको मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो n कैप विल बी 2i माइनस j अपॉन रूट 5. अब तुम लोगों का टास्क क्या रहेगा, जो मैंने बोला था क्या, AB क्रॉस AC उन दोनों का क्रॉस लेके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना एंड वेरीफाइड कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो हो सकता है अगर कैलकुलेशन या तो वहां मिस्टेक होगा उसकी कैलकुलेशन, या फिर हो सकता है यहाँ मिस्टेक होगा, दैट यू हैव टू वेरीफाई. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए काफी है इतना, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने कमिंग लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.